यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने लव जिहाद की एक और घटना को अंजाम दिया है, जहां पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम युवक खालिद चौधरी ने पहले दीपक बनकर फेसबुक के सहारे उससे दोस्ती की, फिर साजिश में फंसाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। घटना गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसे पता चला कि जिसे वह हिंदू युवक दीपक समझ रही है असल में वह मुस्लिम युवक खालिद है, तो उसने उससे संबंध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन खालिद उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। खालिद पीड़ित लड़की को निजामुद्दीन मस्जिद में बीफ खिलाकर उसका धर्मांतरण कराना चाहता था। जब उसने बीफ खाने और धर्मांतरण करने से मना कर दिया तो खालिद ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले शांति दूतों की यही सच्चाई है, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। सच तो यह है कि जानवरों जैसा आचरण रखने वाले शांति दूतों से मानवता की अपेक्षा करना भी तो बेईमानी है। यह पहला मामला नहीं है जब शांति दूतों ने इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम दिया हो। इस्लामिक जिहादियों का एक पूरा गैंग है जो देश विदेश से फंड एकत्र करके कट्टरपंथियों को उपलब्ध करवाता है, जिसके दम पर ये इस तरह के घिनौने कृत्यों को अंजाम देते हैं। सवाल है कि मुस्लिम समाज इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं खालिद जैसे जानवरों के विरोध में किसी मस्जिद से फतवा जारी होता है, या फिर हम मुस्लिम समाज की इस चुप्पी को कट्टरपंथियों को दिया गया मौन समर्थन समझें?